यार मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि अमरुद गाइस फाइनली दिस इज द मोमेंट। ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। आज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, आज को मैं बता ही नहीं सकता हम कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। हम लोग जा रहे हैं फैन फेस्ट के लिए। हमारा फैन फेस्ट वाला जो शो स्टार्ट होगा वो होगा 7:30 बजे, लेकिन अभी सुबह के बज रहे 7:15। हमें अभी ब्रेकफास्ट करके रिपोर्ट करना है क्योंकि हमारा रिहर्सल होगा, उसके बाद शायद फैन मीटअप है, उसके बाद फैन फेस्ट होगा। बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड। कांट थैंक यू ऑल यार इन वर्ड्स कि आपने कितना प्यार दिया। आज बहुत सारा सामान हमें लेके जाना पड़ेगा अलग अलग फंक्शन से। चलेंगे तू सी दिस, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुद्यम पाद स्पर्शम शमशते। तूने कहाँ कॉल करा है अभी? इधर देख कहाँ कॉल करा तूने? वो लॉक हो गया। क्या लॉकर? हाँ। तू क्यों करती है ऐसे काम? नहीं तू हमेशा एक मिनट हाँ। कोई जानबूझ के तो करता नहीं कि किसी को मजा आ रहा है, तो हर बार कैसे हो जा रहा है? यू सच है तेरे को मजा नहीं आ रहा इसमें? मुझे बहुत मजा आता है ऐसे काम करने में, तुम्हें क्या पता। तू कैसे कर देती है हर बार यार? अरे मेरा तेरे से ही क्यों होता है उसमें। चल आ जा, मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ। जाओ तुम तो चले जाओ यहाँ। सो ब्रेकफास्ट अभी भी चल रहा है मेरा, और मैंने बन मंगाए। ये ना पापा के साथ मैं लखनऊ जाता था वहाँ खाता था, शर्मा जी की चाय वहाँ मिलती है, ऐसे ही बन मिलते हैं चाय के साथ, बड़ी फेमस है वो शॉप। एक्चुअली गाइस अभी एक अपडेट है कि हमारा जो टाइम है वो 7:30 से चेंज करके 9:30 कर दिया है। अभी पूनम दीदी को नहीं पता और इनको हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने 9:30 बता दी ना तो 10 बजे तक खाएंगे आराम से, बहुत आराम से, लेजी एक उनको जल्दी खिलाने का ही फंडा है। कोई नहीं बताएगा ठीक है, कोई नहीं बताएगा ठीक है, कुछ नहीं बताना। आज पहली बार हमने ब्रेकफास्ट एरिया में रौनक देखी, इतनी चहल पहल है, सारे यूट्यूब के ऑफिशियल्स यहाँ पर घूम रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ पर हैं। दो दिन से लग रहा था सुनसान सा एरिया, क्योंकि जिन लोगों को स्टेज परफॉर्मेंस देना है उनका ही रिहर्सल हो रहा था, तो वही सुबह जल्दी जल्दी जा रहे थे। सुबह से इतने सारे मैसेजेज आ चुके हैं, कॉल आया मम्मी पापा आ रहे हैं दोनों यहाँ पर मुंबई, और मैसेजेज आ रहे थे सारे लोगों के कि भैया अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। शिवम का मैसेज आया मेरे, मतलब मेरे लिए एकदम यश जैसा है वो भी, उसका मैसेज आया मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने इतनी सारी विशेष की, आप सबकी वजह से इधर आया। थैंक यू। हाँ तुम्हारे लिए 9:30 करती, उन्होंने कहा पूनम बेस जल्दी नहीं उठ पाती ना, तो हम 9:30 हेलो मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। टाइम पे आई हो आज तक तुम यहाँ? क्यों लेट हो गया? डेली कुछ ना कुछ होता तुम्हारा, तो इसमें भी डेंट आएगा देख लो। मेरे पति आया, बेचारी के लैपटॉप में डेंट आ गया है। कहाँ है? ओह कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहुत गुस्सा आया। किस पे? खुद पे? पता नहीं किस पे, किसने किया मुझे पता ही नहीं, बस गुस्सा आया। अभी किस पे आया? निकालूं मैं, कैसे निकालूं? डायरेक्शन नहीं पता चल रही अभी है ना। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए हैं, ये देखो नीतू क्या लेकर आई है, इससे क्या पेट भर जाएगा तेरा? लाती तो 6-7 लाती है। और तू शॉर्ट रख दिया। अच्छा चलो अब ये बैग लेकर हम चलते हैं, हमारे सारे कपड़े जो फैन फेस्ट पे हमें चेंज करने। ये देखो मेरा बैग मैस रहता है पूरे टाइम, लेट्स गो। तो जिस दिन का हमें इंतजार था हम फाइनली वेन्यू पर आ गए, सुबह के बज रहे अभी 10। तो आज हमारी एंट्री हुई यहाँ पर बैक स्टेज से, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा क्राउड था, हम पीछे के रास्ते से अंदर आ रहे हैं, लेट्स गो। बाकी लोग आ गए ना, तुषार वगैरह सब कहाँ है? ये देख के पूनम मैन को दोबारा नींद आ जाएगी नज़र का बहाना लेके नज़र लग जाएगी अभी से थोड़ी देर में, इसे जब भी नींद आती नज़र का बहाना ले लेती है। एक बार बोला मैंने जिंदगी में, मैंने क्यों बोला? तू दोबारा नहीं बोल पाएगी, मैं तुझे इतना जलील कर दूंगा। ये सबके ग्रीन रूम्स रेडी हो चुके हैं, हार्डी संधू बादशाह उधर है हमारा, हम आ गए अपने ग्रीन रूम में। अरे हटा भाई पैर तो हटा, जाने देरी कहीं। ये देख मुझे देखने दे, यूट्यूब ने कितने सारे गिफ्ट्स भेजे। ये नहीं गिफ्ट्स नहीं, खाने पीने का, ये मेरे लिए भेजा गया है ताकि तुझे तो नजर ना लगे इसलिए भेजा इसको ये। ए, एक्लेयर्स। हाँ, ये वो वाली नहीं है यार, ये अलग है, एक्लेयर्स हम तो अलग खाते थे। अच्छा, हाँ ये वाली अलग है। ये क्या है? काउंट, पता नहीं क्या बन रहा, साइन लैंग्वेज लिखा हुआ है। चलो कोई नहीं, ये ले लेता हूँ मैं। ये इसलिए दिया है ताकि किसी के मुंह से स्मेल ना आए। तू टॉन्ट कम मारा कर, आई समझ? मेरे को मारा था पहले इसने। अच्छा ये सबको ही कहती है? हाँ। ये अपनी नजरों में खुद परफेक्ट है बस? हाँ। नहीं नहीं, कभी भी कोई अपनी नजरों में का किसी की नजर में परफेक्ट नहीं। अरे भाई बस बस नहीं, तू कभी परफेक्ट नहीं होता। नीतू की शिक्षा स्टार्ट हो गई, रुक जा। तो हम आए शॉर्ट्स ब्रेक के ग्रीन रूम में, हल्दी दोनों को हुई नींद पूरी नहीं, नींद खराब, मतलब बार बार नींद खुल रही थी। अपर्णा से मैंने आते पूछा, अरे अपर्णा की नींद पूरी हुई नहीं? कहती नहीं नींद नहीं हुई। अपर्णा जी मुझे बहुत जरूरत है क्योंकि अपर्णा मुझे डायलॉग याद रखवाई। पता क्या होता क्या है, मतलब नीतू ना डायलॉग भूलती है, आप लोगों को तो पता ही। तो जब नीतू का डायलॉग होने वाला था ना, अपर्णा ऐसे देखती है उसको, ऐसे देखे अपना बातें बोलती है, आंखों आंखों से उसे उसे बता देते कि भाई अगला है, बोलियो मत मत यार। ग्रेट, इसको बोलते हैं टीम मैन।
टीम वुमेन सॉरी फेमिनिस्ट सॉरी वो भी सही है टीम वुमेन हां इसकी आवाज से ऐसा लगता है कि नाक से बोलती है बोलती हूँ मतलब पता नहीं चलता है नाक से बोल रही हूँ हमारी पूरी टीम आ गई है अब हमारे चैनल का नाम हम बदल देंगे सबके नाम पे रखेंगे सबके नाम के इनिशियल्स लेके बट वेल डन भाई भाई बहुत टैलेंटेड है आप सबको पता है आप सबको पता है नहीं 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 मैं बताती हूँ ना करने वाला ब्लॉगिंग कैमरा कैमरा अंदर गया सब पेट ही होता अरे चल तू सब बात आपकी कसम खाऊं मैं आपको बात बताता हूँ मैं इसके फोटोज देखता हूँ हमेशा ऐसे रहते हैं और जब भी ये हमारे पास पास रहता है तो ऐसे रहता है तो मेरी एक चेन नहीं मिली जिसको छुपाने के लिए ऐसा करता है भाई दे दे भाई ये सबको पता है यशी ने गिफ्ट कर दी ठीक है तो ये ऑडियंस को चोर ये है अबे तोली का सामान बेचता है दोस्तों बताओ यार हदोरी दोस्त को ये नहीं दे सकता नहीं दे सकता नहीं अच्छा तो तुम ये बोलो तू दोस्त को ये दे सकता ऐसे बोलो नहीं ये तो मैं नहीं लूंगा यार बड़े प्यार से दिया ना मेरा नहीं दे मम्मी ने हां मम्मी जी ने दिया देखा यार वो कितना अच्छा ये ऐसे इसके ऐसे तो नंबर बनते हैं ये सब भाई ये सबके मां-बाप का फेवरेट है ये बंदा पता है क्यों मम्मी जी ने इतने अच्छे से वो करता है ना प्यार से बातें हां बहुत प्यार से ये बटरिंग का क्यों लगाया मेरे अंदर था वो मैंने शर्म में कर दिया कुछ तो बात है इन दोनों में जो दूर नहीं जाने देती एक दूसरे से अच्छा ये परफ्यूम अच्छा लगाता है का बेचारी का पेट खराब हो रहा है इसको लूज मोशन हो गए 3 दिन से और हमारे रोहित मैं बता रहा हूं यार इसमें क्या दिक्कत है हो जाता है क्या जो निकल रहा होगा हो जाता है तो गाइस अब हम आए थोड़ा भ्रमण करने कि देखें यहाँ पर क्या क्या हो रहा है हमारा दोस्त भी हमारे साथ है उसको मैंने बोला 2 कदम पीछे चली हुई टेंशन में चल रहा है ये टेंशन में इसकी स्क्रिप्ट नहीं आई अभी तक या स्क्रिप्ट कब तक आएगी तेरी यार मुझे एक्चुअली इसका इसका क्या हाल है मैं यही बोल रहा हूँ कहीं ऐसा नहीं हो कि होने के बाद बोले आपकी स्क्रिप्ट आ चुकी है जो मैं खा रही थी इन लोगों ने वो हटा दिया ऐसे कैसे हो सकता है दे बूमर स्कूल में देखा था ना विकराल और कबराल देखा था उसको भूतिया स्टोरी बताता उसको गोल्ड कॉइन देता था यही होता था वो इन सब चीजों ने हमारी बचपन की याद ताजा कर दी तेरा बचपन अभी भी चल रहा है बात तो सही है तेरा खत्म नहीं हुआ है मन तो है जाली बॉक्स को लेकर जाने का और मैं आपको चीज बताती हूँ जो चीजें किसी ने नहीं खाई ना उन्होंने इन्होंने उसको आगे रख दिया और जो खाली वो पीछे कर दी हाथ से तो चेयर भी खा लेना चाहिए मैं यही बोलती हूँ उसको यशी अभी हाथ तो नहीं करिए इसको पूरा स्लब करो आ करियो ऊपर को मुँह कर कर इस अंदर को ले ले अंदर को बट ट्रस्ट मी इसको बेकार ठीक ना इसको खिला दी बनाए अंदर को रख दिया कैसी है बढ़िया ना ये ऊँट की तरह है रख के बैठा है अभी आ करियो भाई मैं मान गया लेकिन आगे तो और भी परीक्षाएं देनी है ऐसे ना कुछ भी जो मेरे को निकाल कर इसको खिलाती रहती हूं मेरे अंदर अच्छा यार ये बंदा यार ये इनका इनकी नजर ना पेट पेन कम हो गया ना पहले ऐसे निकला मेरा कम नहीं हुआ मेरा उतना ही है मेरा कम नहीं हो सकता इनका सबका पता है पेट नहीं होता हमेशा होती है और मैं पति हो गई पेट शेप ही ऐसी है ना उसका भी उसकी शेप ही ऐसी है लगता है क्यूट है ना क्यूट तो लक्ष्मी यार आप देखो कि इस लड़के का या इस लड़के का इंटरेस्ट कहाँ है आप ये देखो यहाँ इधर तो अरे वो इनकी बात बोल रहा तभी तो ये दोस्तों मेरे पेट में हमला कर रही है जबरदस्ती तभी तो ये एक बार करने तो दे फिर नहीं करूंगी एक बार करने देगा तो नहीं करूंगी पेट पूरा बाहर करो
पूरा भाग नहीं अंदर, अब अंदर करना तभी तो ये और रिहर्सल के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारा फाइनल रिहर्सल होने वाला है मेन परफॉर्मेंस से पहले। तो अभी हमारा रिहर्सल दोबारा से नहीं हुआ, आई डोंट नो क्या कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। We are here for the lunch. अब लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। गाइस देखो नीतू को लखन नीतू को ना भी वो हो रहा था, थोड़ा चक्कर आ रहे थे, तो मैंने इसके लिए ये दोनों मर्ज करे और ताकि फिर इसका पेट हवा में ना रहे, सॉरी कमर, तो मैंने चेयर लगा। अब देख पूरा बेड बना दी ना देले। और दीदी ने क्या बोला कि ऐसा हस्बैंड सबको मिले। मैं एक अच्छा हस्बैंड लेकिन एक बुरा जीजा हूँ, है नहीं दमाद हूँ तेरा तो मैं यार। दमाद? हाँ हाँ इसका भी दमाद। अरे जीजा तो बड़े होते हैं। दमाद क्या होता है? अरे सो जा अब तू, सीख देख। हाँ अब आराम से है ना। थैंक यू बोलो भगवान को, कितना अच्छा पति दिया भगवान। थैंक यू, मैं तो डेली बोलती हूँ। सच्ची बता ए नीतू, तू कैसे प्रेग्नेंट हो यार, तेरी कसम। सच्ची सच्ची। देखो गाइस ये हमारी टीम के मेंबर है, जा जाके यूट्यूब के सारे पिलो यहीं ला के रख लिए, एक वो लगा के बैठा, एक और दो ये लगा के बैठी। गुड गुड, अगली बार की फैन फेस्ट की उम्मीद बड़ी कम सी लग रही है मुझे। हरकत देख देख के है हमारी। उन्हें ये कहेंगे कि इनका रिहर्सल मत करो, डायरेक्ट ही फैन फेस्ट पे ही बुला रहा हूं डायरेक्ट। दो भुक्कर लड़कियों के बीच में अपनी चिप्स की प्लेट छोड़ के गया था। खत्म, फिनिश। इसमें कभी चिप्स हुआ करते थे किसी जमाने में, अब कदम खत्म। आज अब पहली बार मेरे को देख रहे हो, मैंने अपनी शादी पर भी नहीं कराया था। शादी पर लगन में मेकअप नहीं करवाया था मैंने, फोर्स किया था करवा लो करवा लो, जिसका जिसका नतीजा आपने देखा। खैर फर्स्ट टाइम लगन का मेकअप चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। और आपको कैसा लग रहा है? ये सब बोल देते हैं यार। यार मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश पड़ रही है, वो ऐसी बारिश में आ रहा है। यार मुझे डर लग रहा है कि मेरा मेकअप वो ना हो जाए ज्यादा ही ओवर। नो चेंज, यस चेंज है थोड़ा सा। तो गाइस अब हम लोग रेडी है मीट एंड ग्रीट सेशन के लिए। मैंने सिर्फ ऊपर से शर्ट बदली है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही, क्योंकि आज कहीं गया भी नहीं, रिहर्सल भी नहीं हुई, वो भी वैसे अनयूज्ड ही थे कपड़े। बट नाउ वी आर एक्साइटेड टू मीट आवर सब्सक्राइबर्स। ये है नीतू का लुक जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, मेरे को बोलना पड़ेगा प्यारा। ये कॉस्ट्यूम काउंटी की है। चलो चले, मैंने गैस किया था कि आपका नाम परी है। इतने प्यारे से आप दोनों साथ साथ आए हो, बहन भाई अकेले हो, किसी के साथ आए आपके? बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग आ रहे हो, कोई कहीं से कोई कहीं से, लेकिन मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे हो आप सब। उसका नाम सैंडी, वो देख रहा होगा, उसको पता नहीं था आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपको बहुत पसंद करता है। हमें हमारे मुँह में पानी आ जाता है ना दीदी, सारे जो। और तुम लोग फिर उस पे कॉपी करते हो स्नैप पे। हाँ बहुत बहुत टेस्टी है, अभी मुँह पानी आ गया है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हमें भी आपके वीडियो बहुत अच्छा लगता है। यस मुझे पता था हम लोग एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे ना, हमें लगता था। सच में पता, ये आपकी वीडियोस देखती थी, इसने मुझे बोला कि यार ये ना नूडल्स की, हमें नूडल्स की वीडियोस देखना बहुत पसंद है, तो उसने मुझे बोला इनकी वीडियोस देख सो साटे की, वो नूडल्स ही खाती रहती है पूरा टाइम। मैंने कहा ओके, और मैंने स्टार्ट कर दिया, तब से मैं रुकी नहीं, मैं देखती रहती। ट्राई करे कोई, मैंने वो जो स्पाइसी नहीं खाती है, मैंने एक बार ये ट्राई किया था, मेरी नाक से पानी, आंखों से पानी। एक दिन आपका पानी पूरी चैलेंज, जिसने आप खाई जा रहे थे खाए जा रहे थे, पानी पूरी चैलेंज सबसे बेस्ट है, वो कहते रहा फिर आप चैलेंज करते। तो मेरे पास एक फन सा चैलेंज है, मैं आपको ना इंग्लिश में वेजिटेबल या फ्रूट बताऊंगी, आपको हिंदी में बताने की वो क्या है। अच्छा, और मतलब 30 सेकंड में देखते हैं आप लोग कितने कर पाते हैं। ओके ठीक है, पोटैटो। अच्छा नहीं 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 यस स्टार्ट।
ओके पोटैटो आलू क्यूकम्बर खीरा ओके एगप्लांट पैनिक ठीक है गार्लिक जिंजर लहसुन 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 ठीक है पैर नाशपति वेरी गुड बेसिल 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 वो ग्रीन ग्रीन होता है ना तुलसी नहीं 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 करेक्ट एवोकाडो अमरूद एवोकाडो को क्या बोलते हैं वैसे मक्खन फल पानी पूरी पूरी खाती है भर भर के पेट कैसे खाने निकलता उसके बाद जिम जाते जिम जाते हो अब हम भी खाएंगे और जिम जाएंगे तभी आप फिट होंगे आप तीनों एक एक करके मुझे बताओ आपको क्या लगता है आप कितने सेकंड में वड़ा पाव खत्म कर सकते हो 15 सेकंड 1 मिनट 1 मैं ही भूखी हूँ क्या लेट्स सी अगर हम 15 सेकंड बीट कर सकते हैं कि नहीं हाँ गाइस मेरी बहन थोड़ी सक्रिय स्लो मैं उसके मसाज करता हूँ ठीक है अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और नहीं लग रहा मसाज चल रही है ऐसे मारा है तो कैसे करूंगा मसाज कैसे होता है ऐसे तो होता है धीरे हल्के वेरी गुड अरे वाह गुड बहुत पसंद आ रहा है नहीं सूरज सूरज 1 करोड़ रुपए लेके मेरे पास भाई मसाज कर रहा हूँ मसाज ये देखो पेट दिखो ये देख पेट अंदर का पहले तो चल मसाज करो उसको बताना उसको मसाज हो रही है मसाज तेरी करनी है गर्दन की बहुत अच्छी मसाज करता हूँ मैं वैसे मेरी की है मम्मी कौन है मम्मी क्या सुन जैसे कोई वो नहीं है वो कौन सी नो एंट्री उसमें लास्ट में लटक जाते हैं सब जैसे तो बालों से ले ये लो ऊपर ये वाला ले पकड़ वो अपने लायो वो ये दे दो ये शर्ट लायो सूरज की निकाल के ये वाला खा जा रूम में भी चिप्स है सो गाइस अपना मीट एंड ग्रीट खत्म हो गया अब मैं जा रहा हूँ अपने एक बहुत चाहिए यूट्यूबर से मिलने मतलब एक और हाँ एक नहीं एक और उज्जवल ब्रो सब डन भाई तो मुझे लग रहा है इवेंट लेट स्टार्ट होगा यार बहुत ज़्यादा ही लेट हो है ना आग लगाने वाले आप क्या कर रहे हो भाई हम पड़ोसी लोग ना मुंबई आके मिल रहे हैं सीधा भाई NCR के लोंडे मुंबई में आके फाड़ रहे हैं बस यूपी के लोंडे अच्छा मेरे को आज पता चला आंटी जी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं आंटी जी लव यू सो मच थैंक यू सो मच और मैंने उज्जवल को बोला है हमें वहाँ पे भी मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं अपना पर्सनल मीट एंड ग्रीट घर पर भी आने वाले हैं तो गाइज आप लोग एक्साइटेड हो जाना जो भी सवाल उज्जवल से पूछने हो मेरे को बता देना मैं पूछ लूंगा ठीक है कैंसल बहुत सारे सवाल पूछ लेंगे नहीं नहीं जो टॉप टॉप उठाएंगे और उसके बाद भाई लेकिन कब की डेट है डेट नेक्स्ट मंथ कभी नहीं अच्छा यूपी वाले लड़कों से कोई पूछा ना कब की डेट है तो डेट दिमाग में दूसरी वाली आती है बहुत जल्दी मिलते हैं ठीक है अभी तो रेडी हो रहे आग लगाने के लिए ज्यादा यहाँ पे एनर्जी वेस्ट यूपी गैंग ओके लेट्स गो गाइस मैं 50 कदम चल गया हूँ इसलिए मेरे को दोबारा से भूख लग गई है और जब भूख लग गई तो मुझे खाना दिखता रहता है ना जब तक मेरे को भूख लगती रहती है हर 5 मिनट पे तो फिर से कुछ खा लेना चाहिए ओके गाइस तो हम लोग आ गए हैं अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर और लखन नहीं थे उस प्रैक्टिस में हम लोगों ने खुद से करी है और मैं देखती हूँ कि यहाँ पर क्या खा फिर से चिप्स भाई सुपरस्टार तो कोई और ही लग रहा है गाड़ी में कपड़े बदले ऐसा क्यों भाई सीधा आया हूं तीन मीटिंग करी है ये मतलब चौथी इतना लेट क्यों भाई इतना लेट क्यों भाई चार भाई मीटिंग थी इधर था पीके सीधा देख रहे हो शूज अरे शूज से है एंड हिज शूज मैचिंग हिज जैकेट तो इन ब्रांड तो लग रहा है प्लान ये मेरे कुक ने डिजाइन किया है मैं कपड़े पहन के आया था कुछ और इसने क्या कहते कुक ने भेज दिया उसने बोला भैया मैं और सरप्राइजिंगली मैं ये जूते पहन के आया था उसने भेजे उसने जूते नहीं भेजे थे उसने बस यही भेजा था ये और ये मैं बस गाड़ियों बदला हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं 1 घंटे से लखन का वेट कर रहे हैं कि लखन आए और हम
अपने अपने फाइनल परफॉर्मेंस के लिए जाएं, तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, मगर थोड़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, घबराहट नहीं हो रही, थोड़ी नर्वसनेस तो होती है स्टेज, बट मेरे को तो नहीं हो रही, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हूँ। उससे पहले मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करूँगी ताकि मुझे मोटिवेशन और अच्छे से मिले और मैं और आशीर्वाद लेंगे मम्मी का। इससे पहले जो आपने हमारा एक्ट देखा हार्डी संधू से ज़्यादा, तो हमने प्लान किया था, हम बोलेंगे हार्डी 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 वेट 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 एंड से हाय लखनीत व्लॉग, एकदम से वो पीछे से आए और हम कुछ बोल ही नहीं पाए। ऐसा होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा शाय हूँ, तो मैं तो अपने आप से बात नहीं कर पाती, मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ, और अभी भी वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, तो मन तो मेरा है, बट लखन हार्डी संधू उनको हाय बोलना है। ओके बोल लोगे? हाँ चले। हाँ कैसे बोलो? लेकिन अभी एक ऑकवर्ड मोमेंट होगा मेरा। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि हम टॉयलेट में थे और मैं बिजली बिजली गा रहा था, वो पांच में ही थे टॉयलेट में करते करते बिजली बिजली, फिर वो कुछ कह रही, हाँ वो हंस रहे थे, मेरे पास है ना मेरा ओरिजिनल, वो गाता सब लोग अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट। मुझे भी मिल गया ना। मैं सर अभी आ रहे हैं ना। करो ना। पढ़ेंगे तो वैसे भी टमाटर बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं। घर लेके चलेंगे। क्या करूं मैं अपुरुष। So guys, finally we are going on the stage. Thank you. So excited. Thank you so much. Thank you so much. Yes. ये तो दीदी का मुझे एक्साइटमेंट हो रही है स्टेज पे जाने की। तुम्हें एंगेजमेंट में भी ऐसी एक्साइटमेंट हो रही थी? फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? मैं मेरी हवा छूट रही थी, सब हमारा वेट कर रहे थे, हम 10 बज गए थे हमें आते आते, 6 बजे से स्टार्ट था। मैं कहाँ पर हूँ गाइस, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, मेरा ना हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रही है, जब भी मेरे साथ ऐसा कभी होता है ना, अपनी मम्मी को, अपनी मम्मी का चेहरा देखती हूँ, उसके बाद सब ठीक होता है, तो मैं उनका फेस देखना चाहती हूँ, आई होप उसके बाद सब अच्छा। फोन लगा रही हूँ, हमें आंसर नहीं कर रही है, तो मैंने तो मम्मी ने फोन आंसर कर लिया, मम्मी फेस दिखा दो, मम्मी आशीर्वाद दो, हमें देख रहे हो, मम्मी कह रही है मैं देख रही हूँ, बस अब मैंने मम्मी को देख लिया, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अब लग रहा है मैं कर पाऊंगी, मेरी हार्ट बीट सब सीरियसली कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। थैंक यू सो मच भगवान, इतनी अच्छी, किसका डांस करने वाले? डांस कर लो। चलो डांस कौन सा कर रहे थे? फॉर ऑल द बेस्ट डांस। चलो हम भी करेंगे, इनका हुक स्टेप है ऑल द बेस्ट, अभी जब भी करते हैं डांस ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। किसने इनवाइट किया था ये? अरे भाई ठीक है, मेरी क्या है ना, दोनों को साथ में लेके जाता हूँ तो आपस में झगड़ा करती है, अकेले में लेके जाऊंगा तो ढेर से झगड़ा करेगी ना। लखन बैठ जाओ। दीदी आप लोग भी फैन फेस्ट जा रहे हो क्या? इनको पापा फर्स्ट टाइम, मैं तो कई बार गई हूँ वहाँ, सही बोल रही है बिल्कुल, पहले सारा साफ सफाई का काम इन्हीं को मिलता था उधर, लेकिन बेचारी एक बार हाथ साफ करते हुए पकड़ी गई। भाभी बकवास मत करो, पता है पूरे टाइम मेरे को अपनी शार्ट पर नचाती रहती और यहाँ कितनी शरीफ बन रही, मेरा मुंह मत खोलो, किसी के घर आके ऐसे अपने घर की बोलनी खोलते ना। गाइस सच बताओ तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मगर मैंने किसी भी तरह आवाज़ निकाली और बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा हमारा शो? प्लीज़ कमेंट्स में बताना। अच्छा था, कैसा लगा? गाइस बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही प्यारा, मजा ऐसा था। अच्छा तेरा कितनी देर में? तेरा कितनी देर में? अभी थोड़ी देर बाद है, थोड़ा मतलब अभी 20-25 मिनट बाद, हो गया प्रशांत में नीचे हो गया, करना क्या हुआ मेरे को कुछ नहीं पता। नहीं नहीं मैं एक चीज़ मैं इन दोनों को छोड़ के नहीं जाऊँ, तो मेरे पापा तुम दोनों के बहुत बड़े फैंस हैं यार, सच्ची। मेरे फादर आए आज और उन्होंने तुझे देखा होगा बाहर और तुम्हें देखा होगा बाहर, तुमने इनके कंटेंट देखा? फादर ओ ओ, तुमने बोला
कौन वो? हाँ वो तो मेरे को मिला, आप उनको देखते हो? बोले हाँ। का भाई और फादर फैन निकले यार, मिलवाओ ना एक बार। हाँ हाँ अभी वीआईपी में वो शो देख रहे आएंगे यार। अच्छा, मिलाती हूँ मैं, इज अ बिग फैन ऑफ द टू ऑफ यू। सही है यार, घर से अब भाई अमीर और फादर भी, मतलब हम भी फैंस है यार, बट इट्स लाइक इट ऑलवेज फील्स गुड जब आपके मॉम डैड किसी के फैन होते हैं ना। ये हमारा कंटेंट ना पूरा फैमिली रिलेटेड होता है और ऐसा होता है जिससे वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं बहुत ज्यादा। अबे मैं फुल कंटेंट देख रही हूं, इधर फुल देख रही हूं, देखना मेरे साथ कुछ करो ना। हां हां उधर चल के करें क्योंकि लोग आ रहे हैं। हां स्टार्ट स्टार्ट गाइस। अरे किसे कौन एक्सप्लेन कर रही है? हां अजीश। हां अच्छा अच्छा दिखा रहा कुछ। हाँ दिखाओ दिखाओ मैजिक। हाँ करते ना आज, आज, आज अरे अभी मिले यार, दिखा कुछ। हाँ 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 मैजिक देखो, ये देखो है ना, ये उंगली छोटी उंगली बड़ी। ओ वाओ कितना बड़ा हंसी तो भाई, कैसे क्या भाई? मैं बताऊंगा ना आपको। हाँ। अभी एक फोन आ रहा है मेरे को। हाँ बाय 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 बाय, लवली मीटिंग यू। I hope I was good. I don't know. Again, the targeted audience, they will relate. They will. I know. I can't believe my father is going to like this. एक और नहीं तो वो जो था ना। तुम लोग कैसे ऐसे कॉर्नर बनाते इतना जल्दी? पट पट पट। मुझे अभी अनूप ने बोला चले वीडियो बनाते, मैंने कभी नहीं बनानी, बाद में बनाऊंगी। Fuck, तुम लोग ऐसे ही बना लेते हो यार, inspirational होता। अच्छा आप माइंड पढ़ते हो ना? हाँ। एक उसी का बना लेते हैं। क्योंकि इधर कैमरा नहीं है, मिरर अवॉइड करेंगे हम। डेट और जगह इसमें लिख दो बट, और फोल्ड कर देना भाई, पर किसी को बताना मत। सो आप सबकी फेवरेट सुहानिशा हमारे साथ है और आज हम देखने वाले हैं कि जो मैजिक होता है ये कितना ट्रू होता है, क्योंकि हमारे मन में भी ऐसा ऑडियंस चैलेंज कर रहा हूँ तुम। नहीं चैलेंज नहीं कर रहा मैं आपको, मैजिक दिखाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। सॉरी बट हाँ, बट गाइस बहुत एक्साइटेड, तो देखते हैं आज लाइव कैसा होता है। ओके तुम्हारे बारे में आई एम श्योर लोगों को बहुत कुछ पता होगा, बट क्या लोगों को पता है तुम्हारी फर्स्ट डेट कब थी या कहाँ थी? नहीं लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। तुम्हें भी पता है? मुझे हाँ, मुझे लोकेशन पता है। डेट नहीं पता? डेट नहीं पता, डेट मतलब थोड़ा बहुत एक आध दिन का जो कन्फ्यूजन है। चलिए काम करो, आप डेट के बारे में सोचो, आप जगह के बारे में सोचो, क्योंकि डेट का कोई पता नहीं है। ठीक है ओके, पहले हम डेट सोचेंगे। ठीक है हंस क्यों रहे यार, डेट सोचो अपने मन में। ये अपने मन में भी ये सोचो कि यार ये तो मैंने खाली धोते हुए देखा है। और अभी वो मत सोचो, अभी डेट सोचो अपने मन में। ठीक है आपको सिटी ऐसा, मुझे लगा आप कुछ सिटी सोचोगे और आपने कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक सोच लिया उसके अंदर भी, आपने लिटरल स्पॉट सोच लिया। डिड यू गाइज मीट एट Did you guys meet at the Taj Hotel? Oh my February, God! 15th February. तुझे तो नहीं पता था? Yes. सच में? लगन को डेट नहीं पता था? मुझे सब कुछ पता था। वो सब ठीक है नीतू? मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। 15th February भी बोल दिया? गुरुजी तो आशीर्वाद दीजिए। और कुछ? नहीं और जानना है? नहीं 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 बस आज के लिए इतना ही। It's okay. सारी पोल पट्टी खुल जाएगी वरना आज। खड़े तो उनके क्या क्या दिमाग में चल रहा है आपको सुना? अगर मुझे करना हो तो मैं करूंगी ना, पर मैं क्यों ऑब्जर्वेंट, लाइक आई डोंट वांट टू बी सो ऑब्जर्वेंट। तभी तो मैंने बोला अगर रील बना रहा हूं तो मुझे प्रिपेयर होने दो, इट्स लाइक दैट। ये तो ऐसे पूरे वक्त करती रहूंगी फिर आई गेट स्ट्रेस्ड। जी मतलब ये क्या किसी टाइप का मेडिटेशन है या? नहीं यार एक आर्ट फॉर्म है बस, आई जस्ट लर्न द आर्ट फॉर्म। में शी वाज दैट स्पेसिफिक जब हम लोग बात कर रहे थे ना, जब हम लोग बात, मैंने उसी टाइम सोच लिया था। हाँ दीदी एक बड़ा डीप सा क्वेश्चन है, आप जब ये दिमाग पढ़ते हो तो आपको हमारी आवाज में जो हम सोच रहे हैं, लाइक हमें जो सोच रहे हैं हमारी आवाज आ रही है, आपको हमारी आवाज टू मच डिटेलिंग टू एक्सप्लेन। भाई ने मेरे को इतना गंदा ट्रोल करा, कहते हैं हार्डी संधू खड़ा गया। नहीं ये सच में हार्डी संधू, मैं आपको किसी एक मतलब हार्डी संधू, हम दोनों में एक चीज कॉमन है बस, मेरे को हार्डी संधू में, हम दोनों क्रिकेट खेलते थे। दैट्स इट भाई, कुछ भी जो बोलो यार, मुझे बड़ा हॉट से लगता है।
तो अभी हमारा लास्ट एक फॉर्मेलिटी रहती है, हमें स्टेज पर जाना है सारे आर्टिस्ट को एक साथ, और शायद फोटो होगा वहाँ पे। और ये सारे लोग इतने प्यारे लोग, आई एम सो ओवरवेल्म्ड इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। अभी देते भाई, एक मिनट देते बस। क्या जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है? तुम चाबी देके जाओ यार इसको, उसको लेके मेरे को, मैं बोलूं मेरे डैड है, उनको यही प्रॉब्लम है। फिर उनको लगता है कैसे ले, वो कहां से डैड रखता हूं ये बता। नहीं ये तो है ना, तो भी अब इतना मेंटेन करके रखा है भाई, वो अंकल बोलते हैं तो वो मेरा अंकल हो जाता है। 3 आवर्स जिम एवरीडे, 3 आवर्स जिम एंड देन मैराथन दौड़ना, और फिर टैटू भी बनाते हैं ताकि हम पूरे इंटिमिडेट हो जाए, हम खत्म ही हो जाए। सब हाई क्लास है अंकल, आप सच बताओ बड़े स्टाइलिश से लग रहे हो। नहीं अब बोला तू, हां सही तो बोला है। अभी 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 क्या सुभाष जी से बात हुई, बोला कि मेरे पापा देखते हैं, तो वही पापा की इमेज बन गया ना। हां पापा वही, मैं वहां से आ रहा हूं, दीदी चिल्ला रही है लखन इधर है, मैं देखा हूं भैया कौन खड़े हैं, पापा का बहुत बहुत है, लड़के को बोलना आता है। सर आपका भाई, हम लोग का थोड़ा एक फोटो जानने के लिए। हाँ एक विजुअल दो हमारे लिए सर। सर भाई भाई हो गया, एक मिनट हो गया प्लीज, थोड़ा एक विजुअल विजुअल ले लो। कैसा था शो सर? बहुत अमेजिंग। सिर्फ वो फुकरा निश्चय और वो तीसरे क्या था, और आप लोग बस, और किसी से नहीं मिलना था। गाइस थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और इतना अच्छा लगा इवेंट में, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। अभी भी फंबल करी क्योंकि अभी भी गूज़बम्स है मेरे, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी लाइव खड़ी हूँ और मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नई व्लॉग के साथ। बाय बाय।